वेलकम टू माई चैनल देसी फूड। देसी फूड में खुश आमदीद। आज हम पकाएंगे मिक्स सब्ज़ी। हमारे साथ रहिए, वीडियो को आखिर तक देखिए कि मिक्स सब्ज़ी को कैसे पकाते हैं। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स सब्ज़ी में शामिल है गाजर, शिमला मिर्च, राजबीन, आलू, टमाटर, प्याज। राजबीन को हम छोटे छोटे काटेंगे इस तरह छुरी की मदद से। ये है शिमला मिर्च, हम छुरी की मदद से उसको छोटे छोटे काटेंगे इस तरह। इसके छोटे छोटे पीस बनाएंगे ताकि अच्छी तरह से तैयार हो जाए। शिमला मिर्च काटने के बाद अब हम काटेंगे एक आलू बग़ैर छिलके के। आलू का भी हम छोटे छोटे पीस बनाएंगे ताकि अच्छी तरह से तैयार हो जाए, अच्छी तरह से पक जाए। आलू काटने के बाद अब हम काटेंगे गाजर को इस तरह। गाजर काटने के बाद अब हम इसके लिए तैयार करेंगे गरम मसाला। इस बर्तन में हमने डाल दिया है 3 बड़ी चम्मच ऑयल और 2 प्याज। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर और सब्ज़ी मिर्च। इसको अच्छी तरह हिलाएंगे ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून गरम मसाला। इसमें शामिल है देख ले, हमने ऐड किया है 3 टेबल स्पून गरम मसाला। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। गरम मसाला ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देख लें, हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे मिक्स सब्ज़ी। गरम मसाले में हमने ऐड किया है मिक्स सब्ज़ी। मिक्स सब्ज़ी ऐड करने के बाद अब हम इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे 15 से 20 मिनट तक के लिए। 15 से 20 मिनट तक नॉर्मल आंच पे रखने के बाद हमारा मिक्स सब्ज़ी तैयार हो गया है। स्मेल बहुत अच्छी आ रही है, माशाल्लाह। जायका तो कमाल का है, वाह माशाल्लाह। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए और अगले वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।